नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे 18 फीट बाई 35 35 फीट के एरिया के बारे में। और डिमांड में था ये और काफी सारे स्टूडेंट पूछ रहे थे इसके बारे में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये ग्राउंड फ्लोर है, ये यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर आप देख पा रहे हैं और यहाँ पे इसका 3D आप यहाँ पे देख पा रहे हो। ऐसे एक्सप्लेन करने में थोड़ा इजी रहेगा और आपको समझने में भी इजी रहेगा। तो यहाँ से हमने मेन गेट दिया है, जहां से हमने जैसे मेन गेट आता है तो वहां पे स्टेयर का प्रोविजन दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे मेन गेट पे जाएंगे तो यहाँ से हम स्टेयर पे ऊपर जा सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं एक स्टेयर का एक अच्छे से डिजाइन बनाया गया है वहां पे। तो अगर हम अंदर की बात करें तो एक लंबा पैसेज बनाया गया है 6 फीट बाई अराउंड 18 फीट के अराउंड, जो ये वाला पैसेज है। सामने टक्कर में आपको मिलती है किचन, जो 6 फीट बाई 7 फीट के अराउंड है आपका किचन। यहाँ पे विंडो लगाई गई है, डोर लगाया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने सबसे पहले लोबी, आप इसे गेस्ट रूम बोल सकते हैं या आप इसे ड्राइंग रूम बोल सकते हैं। यहाँ पे लोबी है, गेस्ट वगैरह अगर आते हैं तो यहीं पे आप बिठा सकते हैं उन्हें। यहाँ पे विंडो लगाई गई है, यहाँ पे कुछ ओपन एरिया है जो ओपन टू स्काई है ताकि वेंटिलेशन बनी रहे। और यहाँ पे वॉशरूम कॉमन दिया गया है, ये यहाँ पे मास्टर बेडरूम और लोबी और या फिर डाइनिंग रूम के लिए। तो यहाँ पे मास्टर बेडरूम है जो अराउंड 10 फीट बाई 10 फीट के अराउंड है। तो इस तरीके से आप नीचे की यहाँ पे अरेंजमेंट देख सकते हैं। एरिया छोटा है तो इतना ही, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना हमने वहां पे देने की ट्राई की है। अगर मैं यहाँ से ऊपर जाता हूँ तो डायरेक्टली आप टेरिस पे चलते हैं, यहाँ पे आप निकलेंगे। सामने फिर से आप किचन देख सकते हैं, मास्टर बेडरूम के ऊपर मास्टर बेडरूम, सेम वॉशरूम के ऊपर वॉशरूम, और यहाँ पे ओपन एरिया आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आप इसे एज ए बेडरूम यहाँ पे यूज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कोई डिजाइन आपको जो भी बनाना है, एक छोटे से एरिया में प्यारा सा डिजाइन आप बना सकते हैं। और आप अपनी गाड़ी वगैरह को भी यहाँ पे पार्क कर सकते हैं। 6 फीट के एरिया है तो अगर छोटी गाड़ी है आपकी पार्क हो जाएगी, अगर बड़ी गाड़ी है तो थोड़ा सा आप दीवार को और कम करके, थोड़ी सी चीजों को कम करके यहाँ पे आप गाड़ी को पार्क कर सकते हैं। तो ये था आपका 18 फीट बाई 35 फीट के एरिया का प्लान और आपका 3D। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को बताना मत भूलें। थैंक यू सो मच।